एक खूबसूरत लड़की की है। हर लाश में बुरी तरह से चाकू खोपा गया है और हर लाश के पास एक लाल गुलाब पाया गया है। जेंटलमैन, मुझे तो लगता है कि इस बार हमारा किसी पागल खूनी से पाला पड़ा है। हाय, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। 400 खत मिले तुझे? हाँ यार, मेरे को 400 जवाब मिले। अरे यार, तेरी शादी कैसे होगी? उन 400 को इंटरव्यू करते करते तू तो बूढ़ी हो जाएगी। ए, मैं कल आ रही हूँ तेरे यहाँ वो लेटर्स पढ़ने के लिए। हाँ जरूर आना। हाँ देखती हूँ तू अपने दूल्हे का सिलेक्शन कैसे करती है। अच्छा एक मजे की बात बता के तुझे। सुधा एक मिनट। हाँ कोई आया है। अच्छा ठीक है। कौन है? केबल वाला मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे भैया, सुबह से केबल ऑफ है। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं अभी फोन करके कंप्लेन करने ही वाली थी। सारे एरिया का केबल गया हुआ है मैडम। वो रहा। हेलो सुधा। हाँ बोल। अरे वो केबल वाला है। अच्छा केबल वाला ही तो था। तो बोल रहा क्या हुआ? कुछ फोटोज भी है साथ में। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? बहुत सुंदर है। देखो पास मत आओ। तुम्हें पैसे चाहिए? ले लो। नाटक करती है प्यार का? देखो पास मत आओ। छोड़ो मारे। हेलो मोना। हेलो अगर हेलो हेलो प्लीज हेलो। देखिए मैं सुबह बात कर रही हूँ। हेलो मैं हेलो। हाँ प्लीज, मैं अभी अपने दोस्त मोना के साथ बात कर रही थी। वहां पे कोई केबल वाला आया, पता नहीं वहां पे क्या हुआ। मुझे उसकी चीखने की आवाज सुनाई थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज आप वहां पे पहुंचे। देखिए आप मेरी बात का ठीक ठीक से जवाब दीजिए। हाँ। आप फोन पे बात कर रही थी जब वो केबल वाला अंदर आया, राइट? हाँ, हाँ। फिर आपने उनके चीखने की आवाज सुनी? हाँ। ओके, आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए। एड्रेस 14 हनुमान रोड खार। 14 हनुमान रोड खार। ओके राइट, थैंक यू। कहीं ये वही तो नहीं? गुलाबो, तूने ऐसा क्यों किया गुलाबो? मुझे छोड़कर चली? हेलो हेलो, कौन हो? बोलो कहाँ है? सो रही है, बड़े आराम से सो रही है। पता क्या है? पता ना? पता ना?
लाल गुलाब वाला। योनर, हम आपसे माफी चाहते हैं कि हम इसे यहाँ हथकड़ी लगा कर लाए, लेकिन हथकड़ी के बगैर यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हमने इसे मौका है वारदात पे पकड़ा है। योनर यह कहता है कि कमरे का दरवाजा खुला था, यह अंदर गया और इसने लाश को देखा, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं योनर कि यही लाल गुलाब वाला कातिल है। हमने इसके कमरे की तलाशी ली है योनर, जहां पर यह बिल्कुल अकेला रहता है, और हमें इसके खिलाफ बहुत सारे सुराग मिले हैं। मसलन हमें लाल गुलाब वाले जो दूसरे कत्ल हुए हैं उनकी पेपर कटिंग्स मिली हैं। हालांकि ये उन पेपर कटिंग्स का क्या कर रहा था योनर, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हमें ढेर के ढेर वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स मिले हैं योनर, जिसमें इसकी शादी गुलाबो नाम की एक लड़की के साथ अनाउंस की गई थी। शादी की तारीख 2 महीने पहले की है। ये उस लड़की के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता योनर। मेरे ख्याल से तो ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। आपने ये अपराध किया है या नहीं? गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। तो आपको शहर में हुए इन कत्लों के बारे में कोई जानकारी नहीं है? ये तो हमने नहीं कहा। हो सकता है ये कत्ल मैंने किया, लेकिन कसूरवार मैं नहीं। तुमने उनका कत्ल किया, लेकिन कहते हो तुम्हारा कोई कसूर नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा कि गुलाबो कौन है और इस समय वो कहाँ है? नहीं है गुलाबो, नहीं है, नहीं मिलेगी गुलाबो, कहीं नहीं मिलेगी गुलाबो, क्योंकि गुलाबो गुलाबो पूरे शहर में छा गई है, छा गई है पूरे शहर में। हर लड़की में गुलाबो है, हर लड़की में गुलाबो है। टीवी टीवी वाले कहाँ हैं? रेस्ट बोर्डर यहाँ फोटो नहीं ले रहा है कोई? हैं क्लिक 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 करो मुझे, अरे इंटरव्यू लो। रोना, जब से इसको हिरासत में लिया गया है ये अखबार वालों को ही बुला रहा है। हाँ, लेकिन मैं इस वक्त अखबार वालों को इससे दूर रखना चाहता हूँ योनर। तुम इन मर्डर्स के बारे में अखबार वालों को क्यों बताना चाहते? बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि मैं एक बुक लिखने जा रहा हूँ। किताब मेरी कहानी लिखूंगा, सबको बताऊंगा। हो सकता है कोई बड़ा डायरेक्टर उस पर फिल्म बनाए, मेरी कहानी पर फिल्म बनेगी, सब देखेंगे। इस आदमी को साइकेट्रिक ऑब्जर्वेशन के लिए फौरन मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए, और जब तक सारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती इस बात की खबर प्रेस वालों को लीक ना होने दी जाए। ये बहुत खतरनाक किस्म का अपराधी है, इस पर सख्त निगरानी रखी जाए। लकी हो इंस्पेक्टर, 2 मिनट अगर देर से आते तो मैं भाग जाता, और अगर मैं 2 मिनट पहले पहुंच गया होता तो शायद उस बेचारी की जान बचा सकता था। उसने तेरा जान गाड़ा था, तूने उसको क्यों मारा कमीने? गाली नहीं, I don't like it। उसने नहीं तो किसी और ने बिगाड़ा। आखिर में सब एक जैसे, क्या गुलाब हो, क्या मीना, क्या वीना, क्या रीना, सब एक जैसी है। मैं तुझे देखूंगा जब तुझे वो लोग फांसी भी लटकाएंगे। जल्दी क्या है इंस्पेक्टर, उससे पहले तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। नहीं हो सकता है आज मेरा दिन है, आज मैं लकी हो जाऊं। साहब ब्रेक हो गया, साहब ब्रेक हो गया, साहब ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया।
जाएगा। रख दो यहाँ। अरे शेखर साहब, साहब के पास अंदर है, उनकी भी चाय है। मैडम आपकी चाय। अरे गोविंद वहां से जरा वो रेन कटर्स की फाइल ले आना। ओके मैडम, ये बड़े साहब के लिए भी चाय आ रही है। मीरा, ये न्यूज पढ़ा तुमने? शहर में कल फिर एक मर्डर हुआ है, कोई मोना करके। बेचारी घर में दोपहर को अकेली थी, इसमें लिखा है कि एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही थी। देख उसकी फोटो तो देख। थैंक यू। ओके मैडम। नहीं मैडम आपकी चाय, मैं बड़े साहब के लिए चाय ले लूंगा। देख देख ना, बाद में देख लूंगी मिसेस डिसूजा, अभी ये पेपर्स मुझे डिस्पैच से पहले चेक करने। पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा भी है लेकिन कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि तहकीकात पर असर होगा। आई वंडर कैसा दिखता होगा सर इस कहीं का। अरे वो शेखर इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? इधर उसकी चाय ठंडी हो रही है। अरे बाबा, आखिर कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे शहर में? कभी ये बीमार होता है तो कभी वो, और जिस दिन क्रिकेट मैच होता है उस दिन जरूर किसी की मौत होती है ना? ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा शेखर। बस इस बार मुझे छुट्टी दे दीजिए सर, प्लीज सर। वो मुझे अपनी ग्रैंड मदर को चेकअप के लिए ले जाना है सर। ठीक है अब बस करो। मैं हमेशा इससे कहता आया हूँ कि लड़कियां लड़कों से अच्छा काम करती हैं। अब जाओ और मीरा को भेज दो। ओके सर। सर ये रेणुका ट्रस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच के लिए तैयार हैं। आपने कहा था आप भी इसे एक बार चेक करेंगे। बात भी तुम्हारे लिए एक अर्जेंट काम है। तुम अभी चैंबर जाओ, वहां पर एक जेंटलमैन कैलाश सिब्बल वेट कर रहे होंगे, उन्हें ये ब्रीफकेस दे देना। मैं जाऊं सर? मगर इसे तो कुरियर भी ले जा सकता है। पहले जरा ये तो देख लो कि इस ब्रीफकेस में है क्या। ₹20,00,000 कोरियर के हाथ कैसे भेज सकता था? मैं तो खुद लेकर जाने वाला था पर मेरी तबीयत कुछ खराब हो। लेकिन सर इतनी बड़ी रकम मैं कैसे? आई मीन ये मिस्टर सिबल खुद भी तो यहाँ आके कलेक्ट कर सकते हैं। यही तो कहा था मैंने उससे जब कल टेलीफोन पर मेरी उससे बात हुई थी, मगर उसको कोई जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है और रात को फ्लाइट भी कैच करनी है। वो कुछ महीनों के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है। लेकिन सर इतने सारे पैसे अब हम इसका बैंक ड्राफ्ट बनाकर भी तो दे सकते हैं। अरे मैंने भी बोला था उसे बाबा, पर वो नहीं मान रहा, उसे कैश ही मांगता है। तो हमने बोला ओके, आखिर पैसा उसी का तो है। सर कौन है वो? कोई नया क्लाइंट है? अरे नहीं नहीं, तुमको अपना वो पुराना क्लाइंट याद है, वही डायमंड मर्चेंट बारोट, अभी अभी जिसका डेथ हुआ है। सिब्बल उसी का ग्रैंडसन है, अफ्रीका में रहता है और हर 4 महीने में इंडिया आता है। बारोट ने अपनी विल में सिब्बल के नाम कुछ पैसा छोड़ा है और पनवेल में एक बंगलो भी। मैं उसका सॉलिसिटर हूँ, इसलिए इस मामले को जल्दी से जल्दी सेटल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उसे ये पैसा दे दो और फिर अपने साथ ले जाकर पनवेल में पार्वती बंगलो दिखा दो। उसे पूरी तरह से चेक करने दो, बंगला, उसका सामान वगैरह वगैरह, जो कुछ भी लिस्ट में है।
फिर उससे रसीद पर सिग्नेचर ले लो, फिर हमारा हेडेक खत्म। सर मुझे उन्हें पनवेल भी ले जाना पड़ेगा। मैं तो खुद तुम्हारे साथ चलता, पर क्या करूं, ये अचानक मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई है। ये पेट में क्या क्या हुआ सर? पेट में दर्द है, मुझे ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए थी। एनीवे मैं आज तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम संभाल लोगे हमेशा की तरह। तुम्हारे पास कार तो है ना, तुम अगर चाहो तो टैक्सी में भी जा सकते हो। नो नो दैट्स ऑल राइट सर, आई हैव द कार, लेकिन इतनी बड़ी रकम है और वो भी कैश, मुझे डर लग रहा है सर। अरे बाबा, तुम्हारा चेहरा देखकर किसी को ख्याल भी नहीं आएगा कि तुम इतना पैसा लेकर जा रही हो। पर सर मैं तो मिस्टर सिबल को पहचानती भी नहीं हूँ। हेलो, हेलो, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर। कावज जी, मेरी ये मीटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन एक दूसरी मीटिंग है। अच्छा देखो, मैं अपनी असिस्टेंट मीरा को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, वो तुम्हें पैसा देगी और बंगला भी दिखा देगी। सारा सामान चेक करके रिसीट पर साइन कर देना, मगर वो तुम्हें पहचानती नहीं है। अरे उसे कहिएगा मैं एक हैंडसम आदमी हूँ। मैं होटल के बाहर शॉपिंग सेंटर के पास एक काला ब्रीफकेस लेकर खड़ा रहूंगा। हाँ वही, वन मिनट। होटल के बाहर एक शॉपिंग सेंटर है, वो वहां खड़ा तुम्हारा वेट करेगा, उसके हाथ में काला ब्रीफकेस होगा। पर सर ब्रीफकेस तो हर किसी के हाथ में होता है। वेल लेट मी सी, ओके मैं एक लाल गुलाब हाथ में लिए खड़ा रहूंगा। वो लड़की दिखने में कैसी है, खूबसूरत है क्या? साला बदमाश। देखो वो हाथ में एक लाल गुलाब पकड़े वहां खड़ा होगा और भीड़ में आसानी से पहचाना जाएगा। ओके सिबल, मीरा अभी यहाँ से निकलेगी और एक घंटे तक वहां पहुंच जाएगी। हाँ मैं शॉपिंग सेंटर के बाहर ही खड़ा रहूंगा। ओके देखो वो शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़ा रहेगा, इन पेपर्स पर साइन करवाना नहीं भूलना, चार जगह, नो प्रॉब्लम, गुड। नो सर, मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगी। और वैसे भी आजकल हाथ में लाल गुलाब पकड़ता ही कौन है। ये बुके बहुत अच्छा है लेकिन काफी महंगा है। अरे यार फूलों का पैसा वेस्ट करके क्या फायदा, हमें अपने पहले के लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट लेके जाना चाहिए। चलो ग्रीटिंग कार्ड्स देखने जाते हैं। एक काम करते हैं, एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेते हैं और लाल गुलाबों का गुच्छा भी ले लेते हैं। आखिर शादी है उसकी आज। और सिली, लाल गुलाब तो उसे दिया जाता है जिसे तुम्हें प्यार हो। चलो ठीक है, हमें ग्रीटिंग कार्ड देखते हैं। चलो हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर मोरे बोल रहा हूँ। अरे सुनो भाई, क्या है ये इतनी पुलिस क्यों घूम रही है आज? अरे मेरे को क्यों पूछ रहे हो, उनको जाके पूछो ना। अरे सर मैं अभी अभी एक्सीडेंट साइट से आया हूँ, ड्राइवर का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और उसके सर पर चोट लगी है। सर इंस्पेक्टर अविनाश एकदम ठीक है, उन्होंने राजेश पर गोली चलाई और बेहोश हो गए। सर राजेश फरार हो गया और वो इस वक्त इस इलाके में कहीं भी हो सकता है। I'm sorry, Mr. Sibyl. Mr. Sibyl, मैं मीरा, कावाजी की असिस्टेंट। वो ट्रैफिक इतना था कि देर होगी। I'm sorry. ये गाड़ी आपकी है? गाड़ी? जी हाँ, इसी में हम जाएंगे पनवेल, आपके बंगलो देखने। पनवेल? हाँ, आपका पैसा भी गाड़ी में ही है। पैसा? ब्रीफ केस में है। ओके। चले मिस्टर सिबल? हाँ चलिए चलिए, लेट्स गो। कावा जी बता रहे थे कि जगह काफी खूबसूरत है।
क्या बात है मिस्टर सिबल, आप किसी सोच में डूबे हुए हैं? नहीं मैम, एक समय में बहुत सारी बातें चलती हैं मेरे दिमाग में। तुम ऐसा इस ब्रीफकेस में है? हाँ, 20 लाख रुपया जैसा आपने कहा था। 20 लाख कैश, गुड। सुंदर लड़की, मजा आएगा खेलना। चाबी 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 कहाँ है, मैं चेक कर लूँ? बंगले पर चल के गिन लीजिएगा। कौन सा बंगला? वही पार्वती बंगला जो आपके दादाजी आपके लिए छोड़ गए हैं। बंगले में और कौन रहता है? कोई नहीं, मतलब खाली। हाँ, आपको तो मालूम होना चाहिए। नहीं, दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था। आपसे सच कहूँ, मैं सोच रही थी कि मिस्टर कैलाश सिब्बल कोई बुजुर्ग आदमी होंगे। वो होते हैं ना टिपिकल बिजनेसमैन, बोरिंग। मगर आप तो कुछ अलग ही निकले। और आपके हाथ में लाल गुलाब का फूल देखकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मगर अच्छा हुआ आपने कहा कि आपके हाथ में लाल गुलाब होगा, वरना मैं आपको पहचानती ही नहीं। तो ये बात है, ये समझ रही है कोई और। क्या तकदीर है मेरी। पहले तो मुझे उस एक्सीडेंट से बचा लिया और फिर पैसों से लदी हुई ये सुंदर लड़की भेज दी जो मुझे शहर से दूर एक सुनसान बंगले में ले जाएगी। और वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, बेचारी अभी नहीं जानती। क्या सोच रहे हैं आप मिस्टर सिबल? कॉल मी कैलाश। कैलाश मीरा भाई, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी तकदीर कितनी अच्छी है।